हेलो गाइज़ मेरा नाम आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैड टेटगा आरिफ गाइज़ आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ किस तरह से आप कॉलेज में 100 परसेंट स्कॉलरशिप में पढ़ सकते हो मतलब आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा कॉलेज की पढ़ाई में इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आप पढ़ सकते हो बिना कॉलेज की फ़ीस पे किए तो इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाएंगे किस तरह से करेंगे मैं अभी तक बता रहा हूँ कि मैंने कॉलेज का एक्स्ट्रा फीस कभी भी पे नहीं किया है तो मैंने ऐसा क्या किया और आप भी वो चीज़ कर सकते हो ताकि आपका भी कोई फीस पेमेंट करने का ज़रूरत ही ना हो आप फ्री में ही पूरा अपना इंजीनियरिंग कर सको इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखना अच्छे से समझने की कोशिश करना और कोई भी पॉइंट मिस मत करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइस सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ना हमारे जो कॉलेज है वहाँ का फ़ीस मैक्सिमम आप देखें तो थर्टी थाउजेंड या फिर फोर्टी थाउजेंड इसके आसपास होता है राइट तो आपको क्या करना है ना जैसे ही आप कॉलेज में एंट्री करते हो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है ना आपको करना है स्कॉलरशिप भरना है अब गाए स्कॉलरशिप क्या होता है आप सभी को आइडिया तो होगा जनरल आइडिया होगा कि स्कॉलरशिप क्या होता है लेकिन आपको डेप्थ में आइडिया नहीं है कि एक इंजीनियर स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है उसके पास कौन कौन से स्कॉलरशिप भरने का ऑप्शन है <coughs> देखो गाइस जैसे कि अगर आप एक माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हो माइनॉरिटी कास्ट क्या होता है अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हो और आप एक माइनॉरिटी कास्ट माइनॉरिटी मतलब क्या होता है हमारे इंडिया में जो धर्म कम संख्या में है उसे माइनॉरिटी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम हो गया आपका माइनॉरिटी कास्ट सेकेंड हो गया आपका पंजाबी ये सब आपके होते हैं माइनॉरिटी कास्ट हम सॉरी ये सब आपके होते हैं माइनॉरिटी कास्ट ठीक है तो ये सब कास्ट को एक प्रोविजन मिलता है कि आप स्कॉलरशिप भर सकते हो वो स्कॉलरशिप का नाम है एन इसका मैं फॉर्म फिलअप भी आपको दिखा दूंगा इस बार मैं अभी भरूंगा फिर से तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा किस तरह से उसको फिल किया जाता है लेकिन स्कॉलरशिप का नाम आपको याद रखना है स्कॉलरशिप का नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आप वेबसाइट मारोगे एन एस पी आ जाएगा वहाँ पर ही आप अप्लाई कर सकते हो तो किस तरह से अप्लाई करना वो सब अभी ध्यान में मत रखो अभी ये ध्यान में रखो कि एक स्कॉलरशिप होता है एन बोल के ठीक है और गाइज़ दूसरा स्कॉलरशिप जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है ई मेधा अब गाइज़ एक स्कॉलरशिप था जो मैं बात कर दी आपसे एन के बारे में ये हो गया सिर्फ माइनॉरिटी के लिए अब मैं जो बात करूँगा वो हो जाएगा एस टी -सी, एस सी एज़ वेल एज जनरल और आपका जो ओ कास्ट है उन लोगों के लिए तो ये जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप का नाम है ई मेधा अब इसका नाम चेंज हो चुका है अब इसका नाम ई मेधावृत्ति पहले था अभी आप सिर्फ उड़ीसा स्कॉलरशिप मारोगे तो भी आपका वेबसाइट में आ जाएगा इसका स्कॉलरशिप मेरा एक दोस्त भरता है तो वो कैसे स्कॉलरशिप को भरना है किस तरह से उसको फिलअप करना है वो मेरा दोस्त जैसे करेगा मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखा दूंगा कि किस तरह से स्कॉलरशिप को फ़िल किया जाता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा तो उसका टेंशन अभी आप मत लो अभी याद रखो कि दिसंबर से पहले अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप भरना है ये स्कॉलरशिप अगर भरोगे आप तभी आपको स्कॉलरशिप अवेल होगा आप अगर फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप भरना चाहिए ठीक है तो अभी यह स्कॉलरशिप ऑलरेडी निकल गया लेकिन आपका एडमिशन अभी हुआ नहीं है तो हो सकता है आपका नेक्स्ट ईयर से आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेबल हो तो अभी आप भरने के हड़बड़ी में मत रहो लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है क्योंकि हम क्या करते हैं हम अपना पढ़ाई करते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि स्कॉलरशिप लेना है हमें और हम बिना स्कॉलरशिप का अपना काम कर लेते हैं और बाद में हमें खुद से पैसा देना पड़ता है तो ये दो स्कॉलरशिप आपको याद रहेगा उसके बाद अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि ये दो स्कॉलरशिप है इसमें आपको कितने अमाउंट मिलते हैं देखो गाइस अगर मैं बात करूँ जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं जो बच्चे कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं उनको एन एस पी तरफ से थर्टी थाउजेंड मिलते हैं देखो गाइज़ आपका कॉलेज का फीस है थर्टी टू थाउजेंड और आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है थर्टी थाउजेंड का तो आपको अपने पास से दो हज़ार रुपये ही लगा कॉलेज की पढ़ाई का मैं बात कर रहा हूँ आपको हॉस्टल का पैसा तो अलग से देना ही है वो तो अलग चीज़ हो गया लेकिन मैं कॉलेज का पैसा पढ़ाई की बात कर रहा हूँ तो आपका वो फ्री हो गया उसके बाद जो दूसरा स्कॉलरशिप होता है वो स्कॉलरशिप का नाम है जो उड़ीसा स्कॉलरशिप मैं बोल रहा हूँ जो अदर इंसानों के लिए होती है जैसे एसटीएससी हो गया या फिर अदर जनरल कास्ट या फिर ओबीसी के लिए हो गया उनके लिए जो हिंदू है जो कि मेजॉरिटी कास्ट में बिलोंग करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप है तो उनको क्या करना उनको मिलता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड या फिर ट्वेंटी फोर थाउजेंड या कभी कभी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वो डिपेंड करता है इस बार गवर्नमेंट कितना आपको फंड करेगी तो वो हिसाब से आप अगर वो कास्ट में बिलोंग करते हो तो आपको उतना मिल जाएगा तो इस तरह से कहीं कही ना कहीं आपका जो पढ़ाई का जो बर्डन है जो आपके पेरेंट्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है पढ़ाई का वो आपका कम हो जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में आई कौन कौन सा स्कॉलरशिप है पहला है एन जो माइनॉरिटी के लिए है और जो मेजॉरिटी के लिए जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है उड़ीसा स्कॉलरशिप पोर्टल वहाँ से आप जाके स्कॉलरशिप भर सकते हो तो ये दो स्कॉलरशिप ऑप्शन आपके पास है तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी अगर आपको चीज़ें समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक शेयर करें और आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस तरह से फिलअप किया जाता है वो सब चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा आगे अभी जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैं आपको इस चीज़ पर सुचवना और जागरूक करना चाहता था कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो मिलते एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए असलम नमस्कार जय हिंद एंड वंदे मातर